आदिवासी अवस्था से निकलकर मानव ने जब विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया होगा तो संभवतः उसे आभास भी नहीं होगा कि संघर्ष उनके विकास में वह अपनी सभ्यता पर आघात कर रहा है, किंतु आज सदी तक आते आते उसे आभास होने लगा है और बहुत ही गंभीरता से होने लगा है कि जिसे वह विकास समझ बैठा था वह तो शांत क्रमिक आमंत्रण था। और इसी चिंता की पृष्ठभूमि में आतंकवाद और राष्ट्रवाद जैसे विचारों पर विचार करना न केवल सामयिक है बल्कि इन विचारों इन विषय पर विचार करना हमारी आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आतंकवाद क्या है? बहुत सरल शब्दों में अगर मैं आपके साथ बांटूं बच्चों, तो किसी उचित या अनुचित मांग को जब कोई व्यक्ति या संगठन किसी भी अवांछित तरीके से मनवाने का प्रयास करता है तो उसे आप आतंकवाद। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है अवांछित साधन, क्योंकि ये साधन है जो किसी घटना या गतिविधि को आतंकवाद बनाते हैं, फिर वो चाहे अपहरण हो, चाहे हत्या हो, चाहे धमकी हो, चाहे प्रताड़ना हो, अवांछित साधनों का कोई भी नहीं। और जहां तक बात है कि आतंकवाद की शुरुआत कहां से हुई, उधर टर्म टेररिज्म ये भी कंटेम्पररी इन ओरिजिन, बट द आइडिया ऑफ टेररिज्म इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस। अगर आप मानवीय सभ्यता का विकास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1793-94 में, उसमें पहली बार टर्म टेररिज्म यूज हुआ। और अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूं, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा की बात करूं, तो कौटिल्य जब अर्थशास्त्र लिखते हैं और राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि आतंक की किसी भी गतिविधि से निपटने के लिए राजा को राजधर्म का पालन करना होगा। और ये कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करता है कि आतंकवाद उस समय भी था। बाली और सुग्रीव के बीच हुए युद्ध को आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, और अगर आपने वो युद्ध पढ़ा है और रामायण पढ़ी है तो आप ये भी जानते होंगे कि वो शायद गुरिल्ला वारफेयर सबसे बड़ा एग्जांपल, वो गुरिल्ला वारफेयर जो बाद में चल के माओ सेतुंग और चिंद्वारा तक पहुंचा है, वो जो गुरिल्ला वारफेयर था वो बाली के समय से था। उसके बाद जब दुर्योधन षड्यंत्र करता है और पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहेंगे आप? तो मुझे लगता है कि जितना मानवीय सभ्यता का इतिहास पुराना है उतना ही आतंकवाद पुराना है, लेकिन इसके स्वरूप बदल गए हैं, इसके आकार और प्रकार बदल गए हैं, इसकी तकनीक बदल गई है। एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए हैं डैनियल बायमैन, और डैनियल बायमैन ने आतंकवाद की अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की, और जो सबसे पहली कैटेगरी उन्होंने डिसाइड की वो थी एथनो नेशनलिस्ट, यानी मानव जाति। ये सारी चीजें मैं आपसे राजनीति विज्ञानी होने के नाते शेयर कर रही हूँ, वरना आप कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की मैडम आई थी बता कर कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि इस समय आप बहुत कुछ सुनना नहीं चाहते और मैं मुझे भी बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहिए, लेकिन डैनियल बायमैन जब कहते हैं कि जनजाति है जो मानव जाति है एक टेररिज्म है वो बहुत गंभीर रूप लेता जा रहा है, तो हमें याद आती है अपने पूर्वोत्तर राज्यों की वो दशा और दिशा जिसको लेकर आज सब। दूसरा टेररिज्म जिसके बारे में अभी हमारी वक्ता ने भी जिक्र किया, धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक भावनाओं को भड़का कर धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाएं कारित करके जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं धार्मिक आतंकवाद। इसके बाद एक आतंकवाद का सबसे विकृत स्वरूप जो हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके आसपास वो था आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म, चाहे वो नाज़ीवाद हो चाहे वो फासीवाद हो, दैट इज आल्सो अ टेररिज्म, लेकिन उसके पीछे मूल कारक था आइडियोलॉजी और विचारधारा। और ये भी कहा जाता है कि 19वीं सदी यदि विचारधारा की शताब्दी थी तो 20वीं सदी तक आते आते विचारधारा का स्थान अर्थव्यवस्था ने ले लिया और फिर इस अर्थव्यवस्था का स्थान अब सूचना और तकनीक, लेकिन फिर भी विचारधारा कहीं ना कहीं आतंकवाद के पीछे की घटनाओं के पीछे का एक मूल कारण आज भी बन गई। इसके बाद बात आती है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, एक ऐसा आतंकवाद जिसको खुद राज्य प्रायोजित करता है, जिसके पीछे
खुद राज्य की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। शीत युद्ध के दौरान की घटनाएं यदि आप याद करें तो आप समझ जाएंगे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कितना भयानक और कितना घटित हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ना तीन स्वरूप अभी भी ऐसे हैं टेररिज्म के जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, और ये तीन स्वरूप जो नए हैं वो मेरी दृष्टि में है। पहले है नार्को टेररिज्म, एक बड़ा मार्केट है मादक द्रव्यों का स्पेशली कुछ देशों में, और वो मादक द्रव्यों की तस्करी के बाद जो टेररिज्म का एक स्वरूप निकल कर आता है, एक राष्ट्र की संरचना को विघटित करने का जो प्रयास निकल कर आता है वो है नार्को टेररिज्म। एक अलग टेररिज्म है दैट इज साइबर टेररिज्म, इसकी आप सब हम मादक करते हैं। और आज का विद्यार्थी जब ये नहीं समझ पाता, आज का घरवाला जब ये नहीं समझ पाता कि हम डाटा लें या आटा लें, तो ऐसे समय में डाट इज द मोस्ट डेंजरस टेररिज्म। किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो साइबर टेररिज्म इज द मोस्ट इफेक्टिव। और एक और टेररिज्म है जिसको आपने कुवैत युद्ध और सद्दाम के समय में देखा होगा, दैट इज एनवायरमेंटल टेररिज्म। जब सद्दाम हुसैन ने आदेश दिया था कि आप तेल के कुओं में आग लगा दो, और पूरे उस क्षेत्र को उन्होंने धुएं से भर दिया था, तो दैट इज ऑल्सो टेररिज्म। तो मुझे लगता है ये प्रमुख प्रकार है टेररिज्म के जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। अच्छा, कारण क्या होता है आतंकवाद के पीछे का? मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो है भूख और बेरोजगारी। मैंने अदब से हाथ उठाया सलाम को, समझा उन्होंने इससे है खतरा निजाम को, चोरी ना करे झूठ ना बोले तो क्या करे, चूल्हे पे क्या उसूल पकाएंगे शाम को। मुझे लगता है भूख से बढ़कर ना कोई मानवाधिकार हो सकता है, ना कोई विचारधारा हो सकती है, ना कोई राष्ट्रवाद हो सकता है। तो जो सबसे पहली समस्या है जिसको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है वो ये है कि हमें विचारधारा के साथ साथ ऐसे प्रयास भी करने होंगे कि युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक और सार्थक संकट में है, आइए आतंकवाद करिए,
मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती, लेकिन इस मानसिकता से भी मुक्ति आवश्यक है। और इन शब्दों के साथ कि मानस भवन में आ रहे जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, इसी कामना के साथ इस मंच पर अपनी बात खत्म करती हूं।